नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जयगांव मिरर्स में आप सभी के समक्ष जुड़ रहा हूँ डाड़ा गांव क्षेत्र से, और आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं युवा वर्ग और तमाम स्कूली छात्र, साथ में यहाँ के जो आम जनता है, आम निवासी है, सभी लग गए हैं अपने क्षेत्र के बचाव के लिए। आप देख सकते हैं ये जो युवा है, सभी छात्र हैं, ज़्यादातर स्कूली छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। भाई सब पे जाना स्कूल को नहीं, कौन से स्कूल को? इनर हार्ट स्कूल को। और आप देख सकते हैं यही मंगलावाड़ी स्थित इनर हार्ट स्कूल है, जहाँ के बच्चे आज इस क्षेत्र में बचाव कार्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे युवा जो है, भारत देश का शक्ति है, युवा शक्ति। और आप देख सकते हैं जब बात चली आती है अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूली छात्र बोरियों में मिट्टी भर के बचाव कार्य में लगे हैं। आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक उदाहरण पेश करते हुए कि युवा चाहे तो सब संभव है, और इनसे, इन्हीं युवाओं से प्रशासन को भी सीखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, बारिश में भींग के भी ये युवा वर्ग कार्य कर रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से युवा वर्ग पानी में भींग भींग के भी कार्य कर रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों, बारिश के समय में अधिकांश लोग घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, और उस समय आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ज़्यादातर लोग छुट्टियां मनाते हैं। और आप देख सकते हैं यही युवा वर्ग है, यही स्कूली छात्र हैं जो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए इस समय मेहनत कर रहे हैं, लोगों को सहारा दे रहे हैं। और इन सभी युवा वर्ग को जयगांव मिरर्स टीम सैल्यूट करती है। ये एक देशभक्ति, एक देशभक्ति का भावना से कम नहीं है दोस्तों। अगर आप इसे अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से युवा वर्ग अपना योगदान दे रहे हैं अपने क्षेत्र के बचाव में। आप देख सकते हैं ये जो युवा वर्ग है, आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर मिट्टी को बोरियों में भर भर के यहाँ से ले जाकर बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक उदाहरण है कि युवा वर्ग अगर चाहे तो सब संभव है, और इन युवा वर्ग से काफ़ी कुछ प्रशासन को सीखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं हालांकि प्रशासन भी अपने स्तर पे कार्य तो कर रही है, कार्य कर रही है, और आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य किया जा रहा है। करीबन कई सारे युवा है यहाँ पे मौजूद है, जो इस कार्य में लगे हुए हैं, और आप सभी के समक्ष हम लोग विजुअल साझा कर रहे हैं। ये एक काफ़ी बेहतरीन उदाहरण है, सभी लोगों के लिए कि जब दुख दर्द होता है, जब लोगों की समस्याएं होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब युवा वर्ग जो है चुपचाप नहीं बैठती, और आप देख सकते हैं फरुआ बेलचा और तमाम जो अस्त्र है, शस्त्र है, उसे उपयोग करते हुए बचाव के कार्य में लगे हुए हैं सब। इस समय आप देख सकते हैं आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहे हैं जयगांव मिरर्स में, और आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करते हुए भी, आप सभी को बताते हुए भी हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि युवा वर्ग अपना जिम्मेदारी समझ रही है, युवा वर्ग अपना योगदान दे रही है अपने क्षेत्र के बचाव के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कहते होंगे कि लड़कियां जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। आप देख सकते हैं ये लड़कियां जो है ये किसी से कमज़ोर नहीं है। आज भारत के प्रथम नागरिक अगर कहा जाए तो महिला ही है, तो कल चल के शायद इनमें से भी कोई भारत का नाम रोशन करेगा पढ़ाई लिखाई में, लेकिन फिलहाल इस समय उनके क्षेत्र को ज़रूरत है बचाव के कार्य में, लिहाजा इस समय बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। और
युवा लड़के भी हैं जो बचाव कार्य कर रहे हैं। ये देख के उदाहरण आप सभी के समक्ष पेश करने की कोशिश की जा रही है कि युवा वर्ग जो है एक जिम्मेदार वर्ग है, एक मेहनती वर्ग है। आप देख सकते हैं बारिश में काफ़ी 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 सारे युवा हैं जिनके पास छाता भी मौजूद नहीं है। काफ़ी युवा वर्ग है जिनके पास छाता भी मौजूद नहीं है, और जिनके पास छाता है वो भी इस समय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? पासंग लामा। पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं स्कूल में नहार स्कूल का टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप? आप ही के छात्र यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? जी, सभी नहार स्कूल के छात्र हैं। और यहाँ पर हमने सुनने में आया है कि जो कल से जो बारिश हो रहा था जी, उसके कारण यहाँ से फ्लड हो रहा था, बहुत सारे घर डूबा हो चुका है। इसलिए हम सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम क्लास 10, 11, 12 को सारे बच्चे को लेके यहाँ पर आ गए हैं। तो आप भी बारिश में भींग रहे हैं, छात्र भी बारिश में भींग रहे हैं, मौसम बारिश का मौसम है, खतरा नहीं लग रहा है बीमार पड़ने का? बीमार तो पड़ सकते हैं, लेकिन क्या करें, अभी सिचुएशन ही ऐसा है तो करना ही पड़ेगा। एंड व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट थ्रू योर पोर्टल इज दैट कि जितना भी पोर्टफोलियो में है, जितना भी पोस्ट होल्डर है, जितना भी पॉलिटिशियन है हम जयगांव का, वहाँ से उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन, खाली वो रोड में जो बालू आता है वो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन करता है, जो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। खाली वो जो जितना भी वो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम के थ्रू वो लोग कमाने का जरिया बना रहे हैं। इसी को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि संपूर्ण जनता के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशन को छोड़ के परमानेंट सॉल्यूशन कर दीजिए। और आप भी काफी युवा हैं, आप टीचर भी हैं, तो युवा वर्ग को इस तरह से कार्य करते हुए देखकर ये तो कहना पड़ेगा कि भारत जो है युवाओं का देश है, युवा अगर ठान ले तो काफी कुछ किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आज रविवार है, रविवार के दिन भी आप लोग मैदान में उतरे हैं, बारिश में भींग के कार्य कर रहे हैं, सैल्यूट है आप लोगों का। आप लोगों का जज्बा को इसी तरह से लगे रहें। और कुछ युवाओं से भी हम लोग बात करेंगे, आप देख सकते हैं युवाओं से भी बात करेंगे, युवा वर्ग जो है कार्य में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये युवा वर्ग जो है वो जिम्मेदार वर्ग है, ये जिम्मेदार वर्ग है, इनको पता है इनकी जिम्मेदारियां क्या है। आप देख सकते हैं, और मैं कुछ और युवा से बात करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? योगेश प्रधान। हेलो, थोड़ा एक मिनट के लिए रुक जाओ, काफी कार्य कर रहे हो, पसीना पसीना हो गया है, बारिश में भींग भी रहे हो करीबन, तो पसीना से तो आधा नहा लिए हो, आधा बारिश से भी नहा चुके हो, तो कैसे करके आप लोगों ने सोचा कि आज यहाँ पे करना है, बचाव का कार्य में आज आए हो, कहाँ से ये सोच आया आप लोगों को? सर बोला है, सर बताया था, तो आप लोग सर बताएं, आप लोग चले आए, अब बीमार पड़ जाओगे तो ये समाज के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए करना पड़ेगा। कौन से क्लास में हो आप? क्लास 12। चलो बढ़िया से पढ़ाई करो। और आप थोड़ा बताओ, आपका नाम क्या है? सुजल बुजल। अच्छा, बारिश में काफी भींग गए हो, बीमार पड़ गए तो मम्मी कुछ डांटेगी तो? कुछ भी नहीं करेगी। काम अच्छा कर रहे हो ना, इसीलिए ना। चलो, इस काम के लिए तो कम से कम घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप देख सकते हैं युवा वर्ग जो है, हालांकि छात्र हैं, अभी 10-12 में पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा लोगों का ये युवा वर्ग का कैमरे के आगे इस तरह से मीडिया को फेस करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लिहाजा ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे एक अंकल हैं। अंकल नमस्कार। नमस्कार जी। और बताइए, आज ये युवा वर्ग है, आप टीचर हैं कि यहाँ गांव के? हम टीचर हैं। क्या नाम है सर का? मेरा नाम जीवन गुरु है। अच्छा, आज युवा वर्ग यहाँ पे आया है, आपका छात्र लोग आए हैं, किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि ये कार्य करना चाहिए? नहीं, हम लोग एक टीचर यहाँ पर रहता है जी, उन्होंने हम लोग एक टीचर यहाँ पर रहता है। अच्छा, जो बगल में घर है। अच्छा, तो उन्होंने मतलब व्हाट्सएप पे लगाया था कि मतलब आई एम इन डिफिकल्टी, आई एम इन ट्रबल, हेल्प मी। अच्छा, तो इसी तरह से मतलब जैसे मतलब मैसेज पढ़े कि तो फिर हम लोगों ने स्कूल में टीचरों को बात किया। अच्छा, तो फिर बात करने के बाद में बच्चों लोगों को बुलाया, फिर साथ में बच्चों लोगों के साथ देखे यहाँ पर आए। और क्या नाम है टीचर का जी? यहाँ जो टीचर है शुभंकर भौमिक। अच्छा, शुभंकर भौमिक, तो उनकी मदद के लिए आज पूरे स्कूल के छात्र यहाँ पे पहुँचे। चलिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, युवा वर्ग पूरी तरह से अपना जिम्मेदारी उठाते हुए कार्य कर रहा है। एक बार फिर से इन सभी छात्रों और
इनके टीचर जो हैं और स्कूल मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सैल्यूट भी करना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते आप लोग कार्य कर रहे हैं। कभी कोई परेशानी में हो, कभी कोई जरूरत में हो, तो उस समय जरूर मदद के लिए आगे आना चाहिए। और एक टीचर का यहाँ पे निवास है, उनको मदद की जरूरत थी, उन्होंने मदद के लिए पुकारा था, तो लिहाजा सभी छात्र स्कूल पूरा पहुँच गया। यही है, यही खासियत है हमारे भारत की। भारत में यही देखने को मिलता है, जो एक दूसरे से प्रेम लगाव जो रहता है वो हमारे भारत में देखने को मिलता है। एक छात्र अगर मुसीबत में हो तो पूरा छात्र समुदाय साथ में आ जाता है। एक टीचर अगर समस्या में हो तो पूरा स्कूल और छात्रगण साथ में चले आते हैं। लिहाजा इस समय आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो युवा है इसी तरह से कार्य करते रहें, अपना जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज इसी तरह से निभाते रहें। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विजुअल्स आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं और साझा करने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि जब कोई नहीं आगे आता तब युवा वर्ग आगे आता है, जब कोई आगे नहीं आता तब युवा समाज आगे आता है। और छात्र शक्ति और युवा शक्ति जो है हमेशा हमेशा भारत के लिए गौरव है। और इस समय काफ़ी गर्वित महसूस कर रहे हैं सब, काफ़ी आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं साथ साथ में बात करना चाहूँगा भौमिक जी से भी। भाई आप थोड़ा यहाँ पे चले आएँ, हमारे मित्र भी हैं, लिहाजा उनसे तो बिना बात किए तो मैं जा भी नहीं सकता। और दोस्त बताओ, आप तो टीचर भी हो, स्कूल का जानकारी मिली आपके सहयोग में सभी पूरे स्कूल के छात्र और टीचर सभी चले आए हैं, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं स्कूल का धन्यवाद देना चाहूँगा और इन छात्रों के जो एक बुलाव पे आ गए। ये बस मेरे लिए नहीं है, एक्चुअली मैंने बुलाया, लेकिन देखिए अगर यहाँ से हम ये समस्या, ये पूरे गांव का समस्या है और मेरे ख्याल से केवल गांव का ही नहीं, ये पूरे जयगांव का समस्या कहा जाए। ये आपदा जो है केवल जयगांव के लोगों को ही नहीं, केवल आपके परिवार को नहीं, शायद पूरे जयगांव वासियों को ये इसका भुगतान करना पड़ रहा है। क्या अपील रखना चाहोगे प्रशासन से? सोने दीजिए, रात को यहाँ कोई नहीं सोता, राइट टू स्लीप इज गॉन। नहीं, आप लोगों का तो नींद हराम होके रखा है, मुझे मालूम है। काफी लोग बार बार बता भी रहे हैं कि रातों को जागना पड़ रहा है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जो यहाँ पे मौजूद है उनको क्या कहना चाहेंगे? ये बस पहली बार ही नहीं है, ये दिस इज द फोर्थ टाइम। वो लोग देख भी रहे हैं, ये टेम्पररी सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, एक परमानेंट रेजोल्यूशन चाहिए हमें, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब जब भी बारिश हो नीचे रास्ता साफ हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये हर दिन का सिलसिला है, अभी तो और 2 महीना बाकी है बारिश का, सोचे तब का क्या होगा। तो यहाँ पे अभी हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ये मिट्टी जो इरोड होके नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते ये मतलब ये परिस्थिति जो है उसी के चलते हुआ है। ऊपर अगर बांध ना बांधे जाए तो कुछ नहीं होगा, तो दैट इज़ द रेजोल्यूशन। वो पहले हमें ऊपर ठीक करना है, नीचे का तो ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर आना बंद हो जाएगा तो नीचे तो हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो फोकस है वो क्या रास्ते पर। हर रास्ते पे गाड़ी थोड़ा धीमे चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये ठीक करो ना, गाड़ी सही से चलने लगेगा। लेकिन उनको दिमाग में ये जाता ना कि जानी भी चाहिए, रीज़न इस इंटरनेशनल रोड है, भूटान है, तो जिसके चक्कर में हम डायरेक्टली सरकार को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये एरिया खाली रखना पड़ेगा। बट देन हम भी तो जनता हैं, वोट हम भी देते हैं, हमें भी कुछ मदद कीजिए। देखिए बच्चे काम कर रहे हैं, सरकारी आदमी की नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब जाकर रास्ते में देखिए, सारे लोग वहाँ पे हैं, सारे एकजुट वहाँ पे हैं, जिसका काम भी नहीं वो आके देख रहा है जेसीबी कैसे खुदाई करता है, यहाँ पे लगा दिया, नीचे का तो रेजोल्यूशन आ ही जाएगा। आशा करता हूँ कि आपकी जो आवाज़ है, आप जो मैसेज रखना चाहते हैं, जो अपील कर रहे हैं, प्रशासन तक पहुँचेगी। और धन्यवाद बात करने के लिए, और आशा यही करते हैं कि इसी तरह से प्रशासन भी आगे आएगी बचाव के लिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इस समय
काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद है। कुछ दिन पहले यहाँ पे स्थानीय लोगों ने यहाँ पे बांध बनाया था, वो भी बाढ़ के चपेट में आने के कारण कुछ हिस्सा ढह गया है, लिहाजा उसको भी मरम्मत करने के लिए युवा वर्ग यहाँ पे पहुँचा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से जो बचाव का कार्य है, स्थानीय जो युवा वर्ग है यहाँ पे भी अपना योगदान दे रही है, आप देख सकते हैं। और प्रशासन के तरफ से भी आप देख सकते हैं, प्रशासन के तरफ से भी जयगांव एक ग्राम पंचायत प्रधान कमल पाखरिन जी द्वारा भी एक जेसीबी यहाँ पे भिजवाया गया है, तो लिहाजा जेसीबी भी अभी यहाँ पे कार्य में लग जाएगी। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग, युवा वर्ग और प्रशासन सभी मिल के जयगांव का जो समस्याएं हैं उसके लिए अपना अपना योगदान देगी। तो ये जो समस्याएं हैं सभी मिल के अगर कार्य करेंगे, अगर ये समस्याएं जो है वो निश्चित रूप से हल होने में शायद समय लग जाए, लेकिन काफ़ी तकलीफें, काफ़ी समस्याएं कम हो जाएंगी। और एक बार फिर से इस तमाम युवा वर्ग को, ये स्कूली छात्रों को जयगांव मिरर्स टीम सैल्यूट करती है, धन्यवाद देना चाहेगी कि इस क्षेत्र के बचाव के कार्य में यहाँ पे मौजूद है, अपना अपना योगदान दे रही है। और इसी तरह से देश के लिए भी योगदान दे, इसी तरह से अपना देश, अपना भारत का भी नाम रोशन करे, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करे, अपना फ्यूचर बनाए और साथ साथ में देश का भी गौरव बने। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूँगा। इसी तरह से आप सभी के समक्ष पल पल के खबरों के लिए मैं जुड़ता रहूँगा। जयगांव मिरर्स टीम के साथ इसी तरह से जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।